देखिए, बांग्लादेश में आज संसद भंग हो गई। संसद भंग होने के साथ ही अब नई सरकार का गठन करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में विपक्षी पार्टियों के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में सेना के आदेश पर एक अंतरिम सरकार का गठन वहां होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेशी सेना के हाथ की कठपुतली बनेगा कौन, सेना के इशारों पर कौन चलेगा। आपको दिखाते हैं वो तीन चेहरे जिनमें से किसी एक को बांग्लादेश की कमान मिल सकती है। ये बांग्लादेश के संसद की तस्वीर है जिसे कट्टरपंथी उपद्रवियों ने घेर रखा है। बेहद आलिशान इस बिल्डिंग के बाहर जितने आंदोलनकारी दिख रहे हैं उतने ही संसद के अंदर भी हैं। संसद की छत पर भी उपद्रवियों ने कब्जा जमा लिया है। आंदोलनकारियों के दबाव के आगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की कमान फिलहाल सेना के हाथ में है। सेना प्रमुख वाकर उल जमान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अंतरिम सरकार का गठन होगा। अब उस अंतरिम सरकार का चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। इस रेस में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का नाम सबसे आगे चल रहा है। जिन छात्रों ने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया उनकी पहली पसंद अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव दिया। मोहम्मद यूनुस इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने छात्रों के आंदोलन का जमकर समर्थन किया, जिसके बाद छात्र नेताओं ने मोहम्मद यूनुस का नाम सलाहकार के लिए आगे बढ़ा दिया। मोहम्मद यूनुस को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा तक सुनाई जा चुकी है। गरीबी हटाने की कोशिशों के लिए 2006 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मोहम्मद यूनुस $23 लाख गबन के मामले में भी दोषी हैं। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जेल की सजा भी सुनाई थी। मोहम्मद यूनुस अगर सलाहकार होंगे तो सवाल है कि बांग्लादेश का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस रेस में सबसे आगे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का नाम है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में साल 2018 से ही जेल की सजा काट रही थी। शेख हसीना के तख्ता पलट के अगले ही दिन जेल से उनकी रिहाई हो गई। खालिदा जिया 1996 में पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन सिर्फ 12 दिनों के लिए। 2001 में खालिदा जिया फिर सत्ता में आई। शेख हसीना के कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें जेल हो गई। खालिदा जिया पाकिस्तान और चीन समर्थक मानी जाती हैं। खालिदा जिया अब तक 2 बार भारत के दौरे पर आई हैं, जबकि 4 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी हैं। खालिदा के प्रधानमंत्री रहते उनके भारत से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। अगर वो उम्र और सेहत की वजह से इनकार करती हैं तो उनकी जगह पर प्रधानमंत्री पद उनके बेटे तारिक रहमान भी संभाल सकते हैं। तारिक रहमान पर भी कई केस दर्ज हैं जिनमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तारिक बांग्लादेश से भागकर लंदन में छिप गया था। तारिक रहमान ही वो शख्स है जिन्होंने ISI के साथ मिलकर बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलाया। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने के पीछे भी तारिक रहमान का हाथ माना जा रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद तारिक भी जल्द बांग्लादेश वापसी कर सकता है। फिलहाल अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की तस्वीर साफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।